दोस्तों, अगर आप स्लैब कंक्रीटिंग या छत को ढलाई करने वाले हो तो यह गलती कभी ना करना, वरना आपके स्लैब की उम्र, आपका पैसा काफ़ी बर्बाद हो सकता है। तो यह 5 गलतियां हम आपको अभी वीडियो के द्वारा दिखाएंगे और इसका उपाय भी बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। गलती नंबर 1, यह आप देख रहे हो, यह लेबर रेती का और बजरी को मिक्सर मशीन में डाल रहा है। इसे ज़रा गौर से देखिए, यह पूरा भरा हुआ नहीं है। अगर पूरा स्लैब होने तक यह लेबर इसी तरह कम रेत या गिट्टी मिक्सर मशीन में डालेगी तो इससे आपका जो कंक्रीट मिक्सिंग का रेशो है वह मेंटेन नहीं होगा और ज़्यादा सीमेंट लगेगा। इसलिए घमेले में लेवल है वह बरोबर होनी चाहिए। इससे आप सीमेंट भी बचा सकते हैं और कंक्रीट का रेशो भी मेंटेन करके अच्छा क्वालिटी कंक्रीट बना सकते हैं। गलती नंबर 2, यह इलेक्ट्रिक पाइप स्लैब में डला हुआ है। ज़रा इसे गौर से देखो, यह पाइप स्लैब के स्टील के ऊपर से बांधा है, जबकि यहाँ डबल जाली बंधी हुई है। फिर भी इलेक्ट्रिशियन ने इसे ऊपर से बांधा है, इससे पाइप के ऊपर कुछ भी कंक्रीट नहीं आएगा और स्लैब होने के बाद में कोई अगर ऊपर से इस पाइप के जगह में ठोकेगा तो वहाँ की वायरिंग शॉर्ट हो सकती है। गलती नंबर 3, यह जो इलेक्ट्रिक पाइप यूज़ किया है उसे गौर से देखो, यह इतना पतला है कि वह अभी स्लैब होते वक्त ही चिपक रहा है। अगर यह गलती से टूट गया या चिपक गया तो इससे लीकेज हो सकता है और बाद में वायरिंग भी शॉर्ट हो सकती है, तो इसके लिए यह पाइप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। गलती नंबर 4, यह जो बीम कंक्रीटिंग हो रहा है इसे देखो, इसमें स्टील को कुछ भी कवरिंग नहीं दिया है। यह स्लैब खुलने के बाद पूरा लोहा नीचे से दिखेगा और वह स्टील अगर वैसे ही कुछ साल खुला रहा तो स्टील जंगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बीम और स्लैब में प्रॉपर कवर ब्लॉक देना जरूरी है। गलती नंबर 4, यह स्लैब के ऊपर आप यह कॉलम देख रहे हो, इसे ऐसे ही छोड़ा गया है, इसमें एक भी रिंग या स्टिरअप्स नहीं डाली हुई है। इसमें कम से कम एक रिंग तो भी डालना जरूरी है, क्योंकि अगर कंक्रीटिंग में कॉलम के बाद इधर उधर हो गए तो ऊपर के फ्लोर के लेआउट करते वक्त यह कॉलम के बाहर मेजरमेंट के हिसाब से अंदर बाहर होंगे और फिर उसे सरकाना पड़ सकता है। गलती नंबर 5, आप यह स्लैब देख रहे हो, इसमें जो सेंटरिंग लगी है उसे ज़रा गौर से देखो, इसमें लेबर ने इतना ऑयल लगा दिया है कि वह ऑयल पूरे स्टील को आते जाते लग रहा है। यह बहुत बुरा होता है कि स्टील को ऑयल लगे, सेंटरिंग को बिल्कुल ही कम से कम ऑयल लगाना चाहिए ताकि वह स्टील को ना लग सके। तो यह थी 5 गलतियाँ। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ और गलती नज़र आ रही है या दिख रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर यह वीडियो आपके कुछ काम आया, आपके सिविल नॉलेज बढ़ाने में कुछ काम आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।